हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑथेंटिक स्टार। और कैसे हैं आप सब लोग? यार मैं तो बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। ठीक है, आज तो क्या है, मैं बहुत टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, मतलब एक दिन मैंने कुछ अपलोड नहीं किया कंटेंट। तो यहाँ क्या है कि थोड़ा सा वॉल्यूम आपको लो लग सकता है, बिकॉज़ यहाँ पास में एयरपोर्ट है और मुझे काफ़ी अच्छी जगह लगी। आप देख रहे हो यहाँ पर कितना मज़ा है, मस्त नज़ारा है। काफ़ी थका हुआ था, सोचा एक वीडियो अपलोड कर दूँ यार आप लोगों के लिए। तो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने कहा था कि मास्टर स्टूडेंट्स ही यहाँ पर आए यूके में, तो कुछ स्टूडेंट्स के मन में डाउट होगा यार मैं बैचलर्स को क्यों रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं बैचलर्स को रिकमेंड इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज यूके बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। जब आप वहाँ पैसे बैठ के देखते हो ना, आपको लाइफ बड़ी अच्छी लगती है, बट यहाँ पे लाइफ थोड़ी एक्सपेंसिव है। तो अगर आप 3 साल की डिग्री यहाँ पे करते हो, 3 साल का बैचलर्स करते हो यहाँ पे, तो यू हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, तो आप बेहतर है कि आपको बैचलर्स के लिए जाना है तो कैनेडा अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, बिकॉज क्या है, वहाँ पर स्टडी करते हो तो वो PR के लिए आपका काउंट कर देते हैं। ठीक है, बट यू के ऐसा नहीं करता। इनफैक्ट इवन आप मास्टर्स में भी आते हो तो यहाँ पर क्या है कि आपको 2 साल का PSW मिल रहा है, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। ठीक है, तो वो भी ये PR के लिए काउंट नहीं करेंगे जब तक आपको स्पॉन्सर्ड जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, स्पॉन्सर्ड जॉब क्या होती है उसके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। पहले बात करते हैं कि मैं UK ही क्यों कह रहा हूँ आपको मास्टर्स के लिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न कि 1 साल की मास्टर्स है। ठीक है, बाकी सारी कंट्रीज़ में आपको 2 साल की मास्टर्स मिलेगी, तो कंपैरेटिवली इट्स वेरी चीप। यहाँ से आप 11-12 लाख रुपए में मास्टर्स कर सकते हो। ठीक है, कोई पब्लिक यूनिवर्सिटी है। सेकंड, जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अपने स्पाउस के साथ, अपने डिपेंडेंट के साथ बेबीज हैं तो आप सेमली ट्रैवल कर सकते हो, ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा 2 साल का ये एक ऑप्शन हो गया। तो आप अपने मतलब जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, लेट्स सपोज आपने 12 लाख रुपये अपनी स्टडीज़ में लगाए, तो आप 2 लोगों को तो आराम से निकाल सकते हो और 2 साल में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। और उसके बाद अगर आपको स्पॉन्सर्ड जॉब मिल जाएगी तो फिर यू विल गेट द वीज़ा फॉर 5 ईयर्स, वहाँ फिर 5 साल करके आप फिर अपने PR के लिए पेपर्स वगैरह रेडी कर सकते हो। ठीक है, जो कि शायद 10 साल में PR मिलता है यहाँ पे, और इट्स नॉट ईजी टू गेट PR, मेरा पूछो तो मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है। ठीक है, तो यार मास्टर्स के लिए यहाँ पे क्या, आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे मास्टर्स के लिए। ठीक है, UK में और बजट में ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा था। ठीक है, अब मास्टर्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिर होता है कि जॉब्स, यार पार्ट टाइम स्टूडेंट्स के लिए ना यहाँ पे जो पहले वीडियोस लोग अपलोड करते थे, काफ़ी सारे वीडियोस में आपने देखा है यहाँ पे कि यार जॉब्स इजीली अवेलेबल है, तो ऐसा नहीं है यार, यू हैव टू स्ट्रगल अलॉट। मेरे को 3-4 दिन हो गए, इनफैक्ट मेरे को फुल टाइम वर्क परमिट है, तो ऐसा नहीं है इंटरव्यू नहीं दिया और जॉब नहीं मिल रही है, मिल रही है इजीली। बट क्या होता है कि आप घर से सोच के आते हो कि यार थोड़ा सा ना आप वाइट कॉलर जॉब्स के लिए तरफ प्रेफर करोगे या वाइट कॉलर जॉब्स करोगे, तो ऐसा नहीं है यार। अगर आप वहाँ से आ रहे हो ना, तो मेक श्योर कि आप हर तरह की सिचुएशन के लिए आप रेडी रहें। यहाँ पे आपको जॉब्स है तो आपको वेयर हाउस में जॉब मिलेगी, मैन्युफैक्चरिंग जो है जहाँ पे आपको वेट लिफ्टिंग करनी पड़ सकती है, वेट उठाना पड़ सकता है, इट्स अ काइंड ऑफ फैक्ट्री जॉब। ठीक है, सॉरी, मैं बता दूँ आपको कि मैंने एयरपोर्ट लंदन के ल्यूटन एयरपोर्ट के लिए भी मेरा एक इंटरव्यू होना है। ठीक है, और चाहा तो शायद मेरी जॉब लग भी सकती है, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता यार, जॉब अगर आप एजुकेटेड हो आप कहीं भी जॉब कर सकते हो। पहला फंडा, आपको हर चीज़ के लिए यहाँ पे रेडी रहना पड़ेगा। अगर भाई आपके अंदर वो वाली चीज़ है ना कि थोड़ा मैं यहाँ पे नहीं कर सकता जॉब, मेरे को वाइट कॉलर ही करनी, तो फिर मत आओ आप। ठीक है, यहाँ पे तो भाई दिहाड़ी वाली हिसाब है ना, वो है, मैंने सबको देखा, 40 साल 45 साल के 50 साल के लोग आपको आपके साथ आपको जॉब के लिए स्ट्रगल करते हुए नजर आ जाएंगे। तो गाइज़ यहाँ पे पैसा भी है, मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको, पैसा है, लेकिन मन बना के आना भाई, जो मिलेगा करूँगा, सीधी सी बात। ठीक है, तो अब जो भी आपके थोड़े डाउट्स हैं या मेरे को मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे जॉब ढूंढ रहा हूँ, तो जॉब अभी मेरी लगी नहीं है, तो जैसे जॉब मुझे मिलेगी तो उसके बाद विल डिस्कस अबाउट द मिनिमम वेजेस ऑफ यूके, यहाँ पे लोग कैसे करते हैं। शायद भाई डिग्री की जॉब कर रहा है शायद मेरे हिसाब से, तो यहाँ जॉब बतेरी है। ठीक है, तो उसकी बात में बाद में बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो अभी इन डेप्थ में अभी अगली वीडियो में बताऊँगा आपको मैं कि यहाँ पे टोटल कितना खर्चा आ जाता है, आपकी इंश्योरेंस, स्टूडेंट वीज़ा फ़ीस, ठीक है, इंडियन करेंसी में, और आपका क्या कहते हैं फ़ीस कितनी है, मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो आप, शो मनी वगैरह मैंने क्लियर कर दिया था। स्पाउस के लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि स्पाउस के लिए कितनी शो मनी चाहिए। ठीक है, तो आप गाइस कनेक्टेड रहिए यार, लाइक कमेंट शेयर करो ना, तभी मज़ा आएगा। अभी तो मैं थोड़े क्या स्ट्रगल ही कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।